स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? चैप्टर नंबर 5 अवर एनवायरनमेंट हम कर रहे हैं, और इसके अंदर जो आज आपको मैं टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन फूड चेन। ठीक है बेटा, देखिए फूड चेन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है कि फूड चेन के अंदर फूड और एनर्जी का ट्रांसफर होता है। स्टेप वाइज ट्रांसफर होता है, प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स तक और हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स तक। ठीक है बेटा, तो कहने का मतलब ये है कि जो फूड चेन है वो रिप्रेजेंट कर रही है दैट देयर इज अ स्टेप वाइज ट्रांसफर ऑफ फूड एंड एनर्जी। राइट, फूड एंड एनर्जी ट्रांसफर होंगे सबसे पहले प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स तक और हर्बीवोर्स के बाद कार्निवोर्स तक। तो देखिए बेटा, किस तरीके से फूड चेन के अंदर फूड और एनर्जी का ट्रांसफर होता है। सबसे पहला स्टेप इसके अंदर जो आता है वो क्या आता है, देखो सन से प्लांट्स जो है वो सिर्फ 1% एनर्जी लेते हैं। ठीक है, सन से प्लांट्स कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ओनली 1% एनर्जी, एंड दे यूज दिस एनर्जी इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर प्लांट्स ने क्या किया, अपना फूड बना लिया। ठीक है, दैट इज सन से प्लांट ने 1% एनर्जी को यूज किया है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एंड प्लांट्स के अंदर ये जो एनर्जी है ये स्टोर हो गई है केमिकल एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, देखिए बेटा दोबारा बता देती हूं मैं कि सन से प्लांट्स ने कितनी एनर्जी ली है, 1% फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। और इस प्रोसेस के अंदर दैट इज जब फोटोसिंथेसिस में आपको पता है कि जो प्लांट्स है वो अपना खाना बनाते हैं, तो प्लांट्स ने अपना फूड प्रिपेयर किया and it is stored as chemical energy in the plants, right? अब next step क्या होगा, देखो ये जो plants हैं ये क्या करेंगे, इस energy को ये utilize करेंगे for their metabolic activities। metabolic activities का मतलब जैसे respiration के लिए ये use करेंगे, ठीक है, and various other processes। तो प्लांट्स ने क्या किया है, इस केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज किया है अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए उन्होंने यूज किया, और कुछ एनर्जी को इन्होंने लूज कर दिया है एनवायरमेंट के अंदर इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो बेटा ये जो पॉइंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है इस चीज के ऊपर कि जो प्लांट्स हैं उन्होंने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए इस एनर्जी को यूटिलाइज किया और उसके बाद कुछ एनर्जी इन्होंने लूज कर दी एनवायरमेंट के अंदर, किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। अब देखो सेकेंड स्टेप क्या होगा बेटा, आपको पता है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं दैट इज जो प्लांट्स हैं इनको कौन खाता है, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स खाते हैं प्लांट्स को, तो यहां से जो एनर्जी है, अब देखो जब हर्बीवोर्स प्लांट्स को खाएंगे तो यहां से ये एनर्जी कहां चली जाएगी, हर्बीवोर्स में। ठीक है, दैट इज जो केमिकल एनर्जी प्लांट्स के अंदर थी वो ट्रांसफर हो गई किसके अंदर, हर्बीवोर्स के अंदर। अब हर्बीवोर्स इस एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे फॉर देयर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है, हर्बीवोर्स ने इस एनर्जी को यूज किया मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए और बाकी एनर्जी को इन्होंने फिर से लूज कर दिया हीट की फॉर्म में एनवायरमेंट के अंदर। तो आप देख सकते हो कि जो एनर्जी है वो प्रोड्यूसर से कहां पर चली गई है, हर्बीवोर्स के पास। ठीक है, अब थर्ड स्टेप अगर मैं आपको बताऊं तो आप देखिए कि जो हर्बीवोर्स है इनको कौन खाता है, कार्निवोर्स। तो इनके फ्लैश के अंदर जो केमिकल एनर्जी है, ठीक है, वो यहां से चली गई है कार्निवोर्स के पास, क्योंकि कार्निवोर्स किसको खा रहे हैं, हर्बीवोर्स को। तो ये एनर्जी चली गई है कार्निवोर्स के पास। अब कार्निवोर्स ने क्या किया है, यहां पर जो एनर्जी गई अब इन्होंने भी अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए इस एनर्जी को यूज किया और फिर इन्होंने इस एनर्जी को लूज कर दिया हीट की फॉर्म में एनवायरमेंट के अंदर। तो बेटा आप देख सकते हो कि किस तरीके से फूड चेन के अंदर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। मैं फिर से बता देती हूँ, देखिए क्या हुआ है, सन से 1% एनर्जी प्लांट्स ने यूज की है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, प्लांट्स ने अपना फूड बनाया और इन्होंने स्टोर कर लिया है इस एनर्जी को केमिकल एनर्जी की फॉर्म में, फिर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए इन्होंने इस एनर्जी को यूटिलाइज किया और कुछ एनर्जी इन्होंने हीट की फॉर्म में एनवायरमेंट को दे दी। फिर क्या हुआ, जो सेकेंड स्टेप पे आते हैं प्लांट्स को किसने खाया, हर्बीवोर्स ने। हर्बीवोर्स ने अब यहाँ से जो एनर्जी है वो हर्बीवोर्स में चली गई, हर्बीवोर्स ने फिर से हीट की फॉर्म में लूज किया इस एनर्जी को, फिर
थर्ड स्टेप हर्बीवॉर्स को किसने खाया, कार्निवॉर्स ने, तो इनके अंदर जो केमिकल एनर्जी थी वो चली गई कार्निवॉर्स के पास, इन्होंने भी अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की और रेस्ट एनर्जी जो थी इन्होंने लूज कर दी हीट की फॉर्म में एनवायरमेंट में। तो बेटा इस तरीके से फूड चेन के अंदर एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ओके okay?